बड़ी ही दिलचस्प है। गुम है किसी के प्यार में के विराट और पाखी की रियल लाइफ लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आज पाखी और विराट यानी नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादी को 1 साल हो गया है। आज के ही दिन दोनों शादी के बंधन में बंधे थे और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। तो चलिए आज इस खास मौके पर बताते हैं कैसे हुई थी विराट और पाखी की लव स्टोरी की शुरुआत, कैसे हुई इन दोनों की लव स्टोरी सक्सेस। दोस्तों आप सबको बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की कहानी काफी फिल्मी है। नील और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर ही हुई थी। चंद रोज में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। काम करते करते नील और ऐश्वर्या शर्मा कब एक दूसरे को दिल दे बैठे ये बात किसी को पता ही नहीं चली। ये दोनों सीरियल के सेट पर खूब मस्ती किया करते थे। वहीं फैंस को भी कुछ ही टाइम में इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आने लगी और ये फैंस के बीच में भी बहुत पॉपुलर हो गए। सेट पर जल्द ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को इस बात का एहसास हो गया कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद आता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात सितंबर में हुई थी और अक्टूबर में आते आते दोनों को इस बात का यकीन हो गया था कि वो दोनों प्यार करने लगे हैं। एक महीने में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। वहीं एक इंटरव्यू में नील भट्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा एक दूसरे की आंखों को देखकर ही दिल की बात समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों का नेचर भी लगभग एक जैसा ही है। यही वजह है जो नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की आपस में इतनी बनती है। आप सबको बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने कई महीनों तक किसी को अपने डेटिंग के बारे में भनक तक नहीं लगने दी थी। जब फैंस को नील और ऐश्वर्या के लव स्टोरी के बारे में पता चला तो हर कोई हैरान हो गया। वहीं इन दोनों की लव स्टोरी को परिवार ने भी पूरा सपोर्ट किया। यही वजह है जो शादी करने में नील और ऐश्वर्या शर्मा को जरा भी पापड़ बेलने नहीं पड़े। नील और ऐश्वर्या के परिवार वालों ने जनवरी 2021 में इन दोनों का रोका करवा दिया था। नील और ऐश्वर्या शर्मा की रोके की फोटोज ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया था। नील और ऐश्वर्या ने अपने रोके के लगभग 11 महीने बाद शादी कर ली थी। यानी 30 नवंबर 2021 को ये दोनों के दोनों प्यारे कपल शादी के बंधन में बंध गए थे। जिसके बाद से हम अक्सर देखते हैं कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा अपनी फोटोज और वीडियोस के जरिए फैंस का दिल जीतते रहते हैं। ये लोग अक्सर ही फैंस के साथ फन वीडियोस शेयर करते रहते हैं जो कि फैंस को बहुत इंटरटेन करती हैं और फैंस को यही अंदाज इनका बहुत पसंद आता है। अब तो फैंस इनकी आज की फोटोज और वीडियोस का वेट कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिल्मी बीट की पूरी टीम की तरफ से इन दोनों प्यारे से कपल को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।